चटकवाणी। श्रापित है वो जगह, उसी दिन से इंतजार में है वो अपने वंशज के। उस गांव नहीं जाना। कब तक रोकोगे उसे? नरबली, मैं मुन्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दोस्तों, वह एक्शन देख देख करना हमारी आंखों को ना एक बार सूजन हो सकती है, या फिर अब हम ना बोर हो सकते हैं। इसलिए हॉरर फिल्म में देखना ना ये बेस्ट ऑप्शन है फिलहाल के लिए। इसलिए तो आ रहा है मुंजिया। वैसे मुंजिया के टीजर और ट्रेलर से तो लग रहा है कि इसका CGI और अच्छा हो सकता था, क्योंकि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में बनी भेड़िया का CGI जबरदस्त था। हालांकि फिल्म उतनी कमाल की नहीं थी, पर मुंजिया में कंटेंट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि ये रियल कंटेंट बेस्ड हो सकती है। और ये मुंजिया सबसे ज्यादा पावरफुल इसलिए है क्योंकि असल में मुंजिया से जुड़ी कहानियां काफी खतरनाक है। ये अगर किसी इंसान के अंदर घुस जाता है जो कि एक भूत है, तो वो अगले 7 जनरेशन तक सबको तकलीफ देता है। अब मुंजिया ये टाइटल क्यों आया होगा, इसका भी आंसर हम आपको बता देते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में ब्राह्मण फैमिलीज में छोटे लड़कों की मूंज करवाई जाती है। ये मराठी शब्द है जिसे हिंदी में मुंडन कहा जाता है। और अगर किसी बच्चे का मुंडन करवाने के 15 दिनों के अंदर ही उसकी मौत हो जाए तो वो मुंजिया बन जाता है। अब कुछ पुरानी कहानियों में ये भी बताया गया है कि लोग मुंजिया को पीपल के पेड़ से बांध कर रखते थे। इस पीपल के पेड़ के नीचे से जो भी जाता था, मुंजिया उसे पकड़ लेता था, उसके अंदर प्रवेश कर सकता है और किसी औरत के आने वाले बच्चों को भी पेट में ही मार सकता है। अगर मुंजिया की परेशानी से बाहर आने के लिए कुछ लोग तांत्रिकों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये मुंजिया और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वैसे ऐसी चीजें महाराष्ट्र के कोकण बेल्ट में होती है या फिर हुई होगी ऐसा बताया जाता है। वैसे दिनेश विजन की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की खासियत ये होती है कि उनका जो घोस्ट है या फिर मॉन्स्टर है, वही फिल्म के मेन कैरेक्टर है, और इस यूनिवर्स की कहानियां बहुत ही यूनिक होती है। इसलिए शायद ये पहले ही अटेम्प्ट में पावरफुल होती है और मुंजिया की कहानी भी पॉपुलर होगी। पर क्या आगे चलकर मुंजिया का भेड़ियों या फिर पर क्या आगे चलकर मुंजिया का भेड़िया या फिर स्त्री इनमें से किसी के साथ क्रॉसओवर हो सकता है? वैसे अभी तक तो मेकर्स ने कुछ भी सोचा नहीं है, बल्कि मुंजिया की स्क्रिप्ट उस लेवल की नहीं लिखी गई है जिस तरह की स्त्री या भेड़िया की लिखी गई थी। मतलब स्त्री जिसमें एक पावरफुल फीमेल भूत कैरेक्टर का लेवल बहुत बड़ा बना दिया गया था, पर उस लेवल की कहानी अभी तक मुंजिया के लिए नहीं लिखी गई है। पर ये क्रॉसओवर करने का आइडिया मेकर्स जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनके दिमाग में आया तो। वैसे मुंजिया को आदित्य सरपोतार, जो मराठी इंडस्ट्री में काम करने वाले डायरेक्टर हैं, वो बनाएंगे, जो मराठी और महाराष्ट्रियन होने के कारण ऐसी कहानी को ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। उसकी इंटेंसिटी, उसके पीछे का लॉजिक, साइंस, सब कुछ बता सकते हैं। उन्होंने मराठी फिल्म जोम्बी वर्ली बनाई थी, जो कि जॉम्बीज के ऊपर बनाई गई थी। तो जॉम्बीज क्रिएचर्स को लेकर फिल्म बनाने का उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो तैयार रहिए मुंजिया के लिए। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828 8500 88.